आज हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना देखेंगे, बैलेंसिंग आ केमिकल इक्वेशन, किस तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। इसके लिए कुछ नियम हैं जो कि आप पहले सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले एक एक तत्व को संतुलित करते जाते हैं। और जैसे किसी में ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो, सबसे पहले उसको परमाणविक अवस्था में मतलब एक एक करके संतुलित करते हैं, फिर दो से गुणा करके उसको आणविक रूप में लिखा जाता है। जैसे पहला मेरा समीकरण है KClO3 KCl प्लस O। अब ये हम देखेंगे, इसका पहले हम दोनों साइड का देख लेते हैं कि क्या परमाणुओं की संख्या जो तत्व है उनमें जो परमाणु है वो समान है कि नहीं है, उसी को संतुलित करेंगे। यहाँ सबसे पहले देखेंगे पोटेशियम यहाँ एक है, पोटेशियम यहाँ एक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन यहाँ एक है, क्लोरीन यहाँ एक है, ठीक, ये तो बैलेंस है। बाकी यहाँ बचा, यहाँ ऑक्सीजन 3 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो हम इस ऑक्सीजन को एक, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार और लिख लेंगे KClO3 KCl प्लस O, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे कि क्या दोनों का जो परमाणुओं की संख्या है दोनों तरफ कितना है, ज़्यादा है, कम है, उसी को हम बैलेंस करेंगे। पोटेशियम एक है, पोटेशियम एक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो इस ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो उस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 3 ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 3 हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब ये बैलेंस हो गया, ठीक, ये बैलेंस हो गया। अब इसको, ये तो परमाणविक अवस्था में हुआ, अभी मैं बताई थी आपको, जैसे अगर किसी भी समीकरण में हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, तो सबसे पहले इसको परमाणविक अवस्था में संतुलित किया जाता है, फिर इसे दो से गुणा कर क्या कर किया जाता है, आणविक अवस्था में लिखा जाता है। तो ये तो हो गया मेरा परमाणविक अवस्था में। परमाणविक अवस्था, ये परमाणविक अवस्था हो गया, ठीक। अब हम इसमें दो से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आणविक अवस्था में हो जाएगा। तो दो से गुणा करेंगे वो दोनों साइड करेंगे, एक पक्ष में नहीं करेंगे, दाया बाया दोनों साइड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका KClO3 इक्वल KCl प्लस 3O। अब हम इसको दो से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2KClO3 2KCl3O2, ये हो गया मेरा ऑक्सीजन। यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीजन मेरा किस अवस्था में हो गया, आणविक अवस्था में हो गया, पहले था परमाणविक अवस्था में अकेला था, अब यहाँ पे जब हम दो से गुणा कर दिए तो किस अवस्था में हो गया, ये आणविक अवस्था में हो गया। एक बार फिर देख लीजिए इसमें, अब देखते हैं कि क्या ये समीकरण संतुलित हुआ है कि नहीं हुआ है। आप एग्जाम में हमेशा पेंसिल से करिएगा, पेंसिल से क्या होगा, कभी बाय चांस गलत भी हो जाए तो आपको मिटा के फिर करने में आसानी हो जाएगी, ठीक। अब देखते हैं हम यहाँ क्लोरीन, ये तो ये आपका समीकरण है, ये समीकरण को हमें सबसे पहले क्या करना है, परमाणविक अवस्था में मतलब जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो, तो सबसे पहले उसको हम परमाणविक अवस्था में संतुलित करेंगे, फिर उसे दो से गुणा कर आणविक अवस्था में लिख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या पोटेशियम के जो है के दोनों तरफ कितना है, तो इधर भी एक है, इधर भी एक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन इधर एक है, इधर भी क्लोरीन एक है, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करके आप अनुमान लगाइए, आप सोचिए जरा ध्यान से कि हम यहाँ ऑक्सीजन को क्या कर दें कि ये मेरा 3
ऑक्सीजन हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी तीन का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ तीन लिख देंगे तो थ्री ओ हो गया, ठीक। और यहाँ ऑक्सीजन तीन था, यहाँ भी ऑक्सीजन तीन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हुआ मेरा परमाणु, ये भी मेरा संतुलित हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये परमाणविक अवस्था में है, जबकि मुझे किस अवस्था में करना है, आणविक अवस्था में करना है। तो आणविक अवस्था में करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में दो का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा के सी एल ओ थ्री, इसमें दो का मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी दो का, और यहाँ थ्री ओ टू। यहाँ मुझे आणविक अवस्था में लिखना है, तो मैं इसको किस तरह करूँगी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं तीन दुना छः हो, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, थ्री ओ टू। तो ये थ्री ओ टू किस अवस्था में हो गया, आणविक अवस्था में हो गया, ये मेरा बैलेंस हो गया, सॉरी। ये हो गया। अब हम जरा दूसरा इक्वेशन देखेंगे, दूसरा समीकरण क्या है, सी यू। सबसे पहले तो आपको बनता रहे, फिर भी आप पहले एक बार इक्वेशन को एक बार दो बार ध्यान से देखिए, फिर उसको एक बार लिख लीजिए। इसको हम पहले एक बार और नीचे लिख लेंगे, सी यू। एग्जाम में हमेशा आप लोग पेंसिल से करिएगा, जब आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाए तो आप उसे पेन से लिख लीजिएगा। ये हो गया, ठीक। ये आप समीकरण एक बार हम लिख लिए। अब देखेंगे यहाँ कितना है, यहाँ कापर एक है, यहाँ कापर एक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखेंगे, यहाँ सल्फर एक है और यहाँ सल्फर एक और दो, दो सल्फर है। तो हम क्या करेंगे, दो सल्फर यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। जब यहाँ टू लगा दिए तो सल्फर कितना हो गया, दो हो गया। अब जरा हाइड्रोजन को चेक करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ चार हो गया, और यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं, दो हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, दो लिख देंगे, तो ये मेरा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। अब जरा देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, दो, देखिए ऐसे लिखा हुआ है, टू ओ फोर, टू ओ फोर, मतलब कितने ऑक्सीजन हैं, टू इंटू फोर एट, कितने ऑक्सीजन हैं, एट ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पर, चार दुना आठ ऑक्सीजन हो गया। अब हम यहाँ चेक करते हैं, यहाँ चेक करेंगे तो ये दो और इधर दो, दो और इधर दो, चार और ये चार, चार चार आठ, मतलब दोनों तरफ क्या हो गया, मेरा बैलेंस हो गया। अब एक बार और चेक कर लीजिए, सी यू अकेला है कापर, इधर भी कापर अकेला है। आपको ना समझ में आए तो सबसे पहले आप सबका लिख लीजिए कौन कितना है, जैसे सी यू अकेला है, इधर भी अकेला है, सी यू इधर भी अकेला है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दो है, और उधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन दो है, ठीक। अब रही बात सल्फर की, यहाँ सल्फर एक है और इधर सल्फर दो है। अब देखते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन इधर चार है और इधर ऑक्सीजन कितना है, दो तीन, ये दो हो गया, दो और एक तीन और एक चार, तीन सात ऑक्सीजन है, ठीक। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस कैसे करेंगे, देखेंगे किधर साइड कितने कापर हैं, जिधर कम है उधर दो तीन कुछ भी अपन मान लगा के गुणा कर दीजिएगा। तो जैसे इधर कापर अकेला है, इधर कापर अकेला है, इसको तो हम छुएंगे भी नहीं क्योंकि वो बैलेंस है। अब आगे देखते हैं, हाइड्रोजन इधर दो है और इधर हाइड्रोजन दो है, वो भी बैलेंस है, कुछ नहीं करेंगे। सल्फर एक है और सल्फर इधर दो है, ठीक। इधर दो सल्फर है और उधर एक सल्फर है, तो हम क्या करेंगे, इधर इस सल्फर को दो बनाने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, दो का मल्टीप्लाई कर दिए, दो लिख दिए तो, दो लिख दिए तो सल्फर दो हो गया। अब सल्फर इधर दो हो गया, सल्फर तो बैलेंस हो गया। जब सल्फर बैलेंस हो गया तो इसमें और भी तत्व है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दो था तो कितने हाइड्रोजन हो गया, चार हाइड्रोजन हो गया। जब चार हाइड्रोजन हो गया और मेरे पास हाइड्रोजन था ही कितना, दो ही हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, दो लिख देंगे, तो दो और दो चार हाइड्रोजन हो गया, चार हाइड्रोजन हो गया। अब रही बात ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यहाँ चार दुना आठ है और यहाँ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, जब हम यहाँ दो लिख दिए, दो ये और दो ये, दो दो चार और चार चार आठ, कितने ऑक्सीजन हो गए, आठ ऑक्सीजन हो गए, दोनों तरफ बैलेंस हो गया। तो मेरा इक्वेशन अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इस तरह से बैलेंस को, समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब अगला है,
अगला है Mg, मैग्नीशियम प्लस O2 इक्वल MgO। दिख रहा है एकदम आसान, दिख रहा है आसान है ही भी। देखिए इधर मैग्नीशियम अकेला है, इधर भी मैग्नीशियम अकेला है, इधर मैग्नीशियम दो है, इधर मैग्नीशियम एक है। अब हम इस मैग्नीशियम को क्या करेंगे, इसमें सॉरी ऑक्सीजन को क्या करेंगे, दो करेंगे। तो इधर ऑक्सीजन को दो करेंगे तो यहाँ क्या लगा देंगे, दो। जब यहाँ ऑक्सीजन दो लगा दिए तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। जब यह ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब इधर तो गड़बड़ हो गया, इधर दो मैग्नीशियम है, इधर एक मैग्नीशियम हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी टू लिख देंगे। जब यहाँ भी टू लिख दिए तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया 2 Mg, दो मैग्नीशियम इधर, दो मैग्नीशियम इधर, और ऑक्सीजन दो इधर हो गया, ऑक्सीजन दो इधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस बराबर हो गया समीकरण। अगला इक्वेशन है, सबसे पहले तो हम इसको लिख लेंगे CaH2O, CaOH प्लस ये। ठीक, ये मेरा इक्वेशन है, इसको मुझे बैलेंस करना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसको, दोनों तरफ कैल्शियम CA, दोनों CA दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है। एक एक तत्व को, इसमें नियम है, सबसे पहले आप एक एक तत्व को बैलेंस करते जाइए। तो कॉपर इधर एक है, इधर कॉपर एक है, ठीक, इधर हाइड्रोजन दो है, और इधर हाइड्रोजन दो, और ये दो चार है, ठीक। जैसे OH2 में कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भी दो हो जाएगा और हाइड्रोजन भी दो हो जाएगा। तो कितने हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर चार हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, ठीक। कहाँ पे मेरे को बैलेंस करना है, सबसे पहले तो मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ चार हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, दो लिख दिए। जब दो लिख दिए तो 2H2, ये तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन इधर दो है और इधर ऑक्सीजन कितना है, दो है। इधर ऑक्सीजन दो और इधर ऑक्सीजन दो, मतलब बैलेंस है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, और ये आपका समीकरण संतुलित हो गया। ठीक, अगला इक्वेशन है Al4C3। ठीक, अब हम इसमें सबसे पहले देखेंगे, एक एक तत्व को देखते जाएंगे। Al4, सबसे पहले तो हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, Al4C3H2O, AlOH3CH4। ठीक, अब हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ एल्यूमिनियम 4 है और यहाँ एल्यूमिनियम अकेला है, तो सबसे पहले तो हम एल्युमिनियम को बैलेंस करेंगे। तो एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 4 एल्युमिनियम है और यहाँ 1 एल्युमिनियम है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 4 लिख दिए, ये तो एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। अब आगे क्या है, कार्बन, यहाँ कितने कार्बन हैं, यहाँ 3 कार्बन है और इसमें कितना है, एक कार्बन है। अब एक कार्बन को मुझे 3 कार्बन बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3। ये तो कार्बन बैलेंस हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन ये 3 और ये 4, मतलब 4 तिहाई 12, मतलब 12 × 24 कितने हाइड्रोजन हो गए, 24 हाइड्रोजन हो गए। तो 24 हाइड्रोजन हो गए, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 हाइड्रोजन पहले से है, यहाँ पे मैं 12 लिख दूंगी, तो क्या हो जाएगा, 12 × 24, ये तो हाइड्रोजन हो गया। अब रही बात ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन 12 है और इधर ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन ए और 4 ऑक्सीजन ये, मतलब 4 तिहाई 12, ये भी आपका बैलेंस हो गया। एक बार और देख लीजिए, इधर एल्युमिनियम 4 है, इधर एल्युमिनियम 1 है। सबसे पहले आप एक एक तत्व को बैलेंस करते जाइए, एक एक तत्व को बैलेंस करते जाइए। आप एग्जाम में हमेशा पेंसिल लेके करिएगा बैलेंस, जब आपका दोनों तरफ बैलेंस हो जाए तो आप उसको पेन से लिख सकते हैं। ये हो गया एल्युमिनियम, इधर 4 है, इधर एल्युमिनियम 1 है। सबसे पहले तो हम एल्युमिनियम को बैलेंस कर लेंगे, तो इधर 4 है, तो यहाँ जब मैं 4 लिखूंगी तो ये 4 हो जाएगा। जब यहाँ 4 लिख दिए तो 4 एल्युमिनियम तो बैलेंस हो गया। अब आगे देखते हैं कार्बन, कार्बन यहाँ C3 है और यहाँ कार्बन अकेला है, तो हम इस कार्बन को मुझे 3 कार्बन बनाना है, तो 3 यहाँ 3 कर देंगे, तो 3 कार्बन तो बैलेंस हो गया। अब आगे है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 तिहाई 12, कितने हाइड्रोजन है, 4 तिहाई 12। जब ये 12 हाइड्रोजन है, अब मुझे पता कैसे चलेगा 12 हाइड्रोजन है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे लगा है 4 Al
OH थ्री। जब हम ये सबसे पहले ये ब्रेकेट खोलेंगे, जब हम ब्रेकेट ये हटाएंगे तो इसमें कितने ब्रेकेट के बाद थ्रॉइज है, तो ये ओ थ्री फोर ए एल ओ थ्री और ओ एच हो जाएगा। जब ये ओ थ्री हो गया, अब इसके पहले ये फोर भी तो लगा है, तो फोर लगा है तो फोर ये सब में फोर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब एल्युमिनियम भी फोर हो जाएगा, ऑक्सीजन भी फोर हो जाएगा और ये हाइड्रोजन भी फोर हो जाएगा। जब ये फोर हो गया तो तीन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो पहले से है और चार ये हो गया, तो चार गुड़े तीन मतलब कितने हाइड्रोजन हो गए, चार तीन बारह, जैसे आप मैथ में करते हैं थ्री, जैसे एक क्वेश्चन रहता है तो आप क्या करते हैं थ्री का दो में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीन दून अच्छा, उसी तरह इसमें भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका फोर ए एल ओ एच थ्री, मतलब इसको जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये थ्री और ये एच हो गया। जब ए एच हो गया तो हम ये ओ थ्री पहले से है पर प्लस फोर सामने है इसको, इसके तो फोर इंटू थ्री मतलब बारह ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन भी बारह हो गया। जब हाइड्रोजन भी बारह ऑक्सीजन, अब हम जरा हाइड्रोजन को चेक करते हैं, इधर ये तो 12 हाइड्रोजन यहाँ से निकला और 12 हाइड्रोजन चार तिहाई 12 यहाँ से निकल गया, मतलब टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 12 दुना 24, 12 दुना 24। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दो हाइड्रोजन है, अब दो में हम किस संख्या का गुणा कर दें कि 24 हो जाए, तो 12 दुना क्या हो जाता है 24, जब हम दो में 12 का गुणा कर देंगे तो 24 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 12, तो 12 दुना 24 मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन में इधर यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ 12 है मतलब 12 ऑक्सीजन है और यहाँ पे मेरा कितना है चार तिहाई 12 मतलब 12 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, मतलब इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक, इस तरह आप एक एक तत्व को बैलेंस करते जाइए, एट लास्ट ही आपका इक्वेशन बैलेंस हो ही जाएगा। आप पेंसिल से करिएगा, कहीं मिस्टेक हो गया तो आप उसको इरेजर से साफ करके फिर उसको बैलेंस करिएगा। अगला इक्वेशन देखते हैं, दिखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन बहुत आसान है, डरिएगा नहीं, एक एक करके आप एक एक तत्व को आप बैलेंस करते जाइए। सबसे पहले तो आप इसको एक बार और लिख लीजिए, ये ठीक। सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लिए, देख लिए, अब हम एक एक तत्व को बैलेंस करते जाएंगे। तो एक एक तत्व को बैलेंस करते जाइए, सबसे पहले क्या है पोटेशियम, इधर कितना पोटेशियम है, एक पोटेशियम है, इधर के अकेला है, इधर के अकेला है, ठीक बिल्कुल नहीं छुएंगे उसको, हम डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे। इधर मैग्नीशियम एक है और इधर मैग्नीशियम एक है, इसको भी कुछ नहीं करेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे आगे, अब जरा आगे देखते हैं, आगे हम सबसे पहले ऑक्सीजन को देख लेते हैं, इधर ऑक्सीजन फोर है, इधर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन अकेला है, तो इसको मुझे कितने ऑक्सीजन बनाना है, फोर ऑक्सीजन बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे फोर, फोर ऑक्सीजन तो फोर हो गया। अब रही बात हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन देखते हैं, इधर चार है, चार दुना आठ, आठ हाइड्रोजन है और इधर कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे एट, ये तो आठ हो गया। अब रही बात क्लोरीन की, अब क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, तो क्लोरीन इधर कितना है, आठ क्लोरीन है, इधर कितने क्लोरीन है, दो 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 चार और एक पाँच, कितने क्लोरीन है, पाँच क्लोरीन है। अब मुझे पाँच क्लोरीन को आठ क्लोरीन बनाना है, तो आठ क्लोरीन अब कैसे बनेगा, तो यहाँ पे यहाँ हम फाइव बाई टू का मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइव बाई टू। अब हम इस पूरे समीकरण को क्या कर देंगे, दो से गुणा कर देंगे, ये आण्विक अवस्था में करने के लिए हम दो से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा टू के एम एन ओ फोर प्लस सिक्सटीन एच सी एल इक्वल, सॉरी टू के सी एल प्लस एम एन सी एल टू प्लस एट एच टू ओ प्लस फाइव बाई टू इंटू टू सी एल टू, ठीक टू
एट ठीक। अब जरा हम इसको फिर से आगे देखिए, आप ये हो जाएगा आपका कट हो जाएगा, दो से दो कट जाएगा, तो ये कितना हो गया 5Cl2। जब 5Cl2 हो गया तो हम सबको बैलेंस कर लेंगे, एक बार फिर लिख लेंगे क्या प्राप्त हुआ मेरा, 2 KMnO4 प्लस 16HCl, सॉरी HCl इक्वल टू KCl प्लस 2 MnCl2 प्लस 8 H2O प्लस 5Cl2। ठीक, ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया, दिख रहा है, बस आपको दिख बढ़ा रहा है, बस आप उसको ध्यान से बैलेंस करते जाइए। ये है आपका ये इक्वेशन, बहुत बड़ा दिख रहा है बड़ा, लेकिन है थोड़ा दिमाग लगाइए, सब सही हो जाएगा। अगला इक्वेशन देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसको लिख लेंगे, Mg3N2 प्लस H2O Mg होल ट्वाइस प्लस NH3। ठीक, हमने इक्वेशन को लिख लिया, अब इक्वेशन लिख लिए, अब हम इसको एक एक करके देखेंगे दोनों साइड बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 3, और यहाँ मैग्नीशियम अकेला, सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख देंगे, 3। यहाँ लिख देंगे 3, तो ये तो मैग्नीशियम बराबर हो गया। अब नाइट्रोजन को देखते हैं, यहाँ नाइट्रोजन 2 है और यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2। ये तो नाइट्रोजन भी बराबर हो गया। अब आगे देखते हैं हाइड्रोजन को, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 तो यहाँ है, प्लस 3 यहाँ हो गया, अच्छा हाइड्रोजन हो गया, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 3। यहाँ 3 लिख देंगे तो 3 दुना 6, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी है, तो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 2 और यहाँ 3, मतलब 3 दुना 6, ऑक्सीजन कितना है, 6 ऑक्सीजन है। यहाँ जब 6 ऑक्सीजन है तो हम अब क्या करेंगे, 6 ऑक्सीजन को क्या करेंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, 6। ठीक, ऑक्सीजन तो बराबर हो जाएगा। अब हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 12, और यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं, 3 दुना 6, मतलब 12 हाइड्रोजन है, 6 6 12, 2 यहाँ, 3 यहाँ, मतलब 3 दुना 6, और ये 3 दुना 6, 12 हाइड्रोजन हो गया। अब 12 हाइड्रोजन इधर भी मुझे करना है, तो 2 यहाँ 6 लिख देंगे, तो 6 6 दुना 12 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी है, 2 और यहाँ 3, 3 दुना 6 और 6 ऑक्सीजन, मतलब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। आप एक एक तत्व को, एक एक परमाणु को आप बैलेंस करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, और लास्ट में सारे के सारे बैलेंस हो जाएंगे।